नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिला 33 खबर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते, बात कर लेते सबसे पहले बड़ी खबर की। गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक की बैठक के बाद विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हर हाल में, हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का विशेष अधिकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। इस मामले में किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि अगर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत कह देंगे तो हम 5 साल विधायक बनकर जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरकार हम साधु संत नहीं, राजनेता हैं। हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो निर्णय करेंगे वो हमें मंजूर होगा। वो सही समय आने पर उचित निर्णय करेंगे। बैठक में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर, महादेव सिंह खंडेला ने एक स्वर में कहा कि सरकार के विपरीत हालातों में उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है। ऐसे में अगर इंदिराज गुर्जर जैसे नेता कहें कि सरकार के पास बहुमत है, निर्दलीय विधायकों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनके बयान के कोई मायने नहीं है। सभी निर्दलीय विधायक एसोसिएट सदस्य के तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। हमारी जवाबदेही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति है। इंदिराज गुर्जर के बयान की सचिन पायलट शेर हैं। जवाब में संयम लोढ़ा ने कहा, शेर भी जानवर होता है। विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। संयम लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। संयम जी, कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। क्या बैठक का यही मकसद था कि बेरोजगारों की बात की जाए, या असल मुद्दे कुछ और थे? देखिए, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, हमको उनकी कठिनाई का पूरा एहसास है। उन हमारे नौजवान साथियों की पीड़ा का एहसास है जिनके माँ बाप ने उनको अपने आप पेट काट करके पढ़ाया है, डिग्री दी है, तो उनके लिए संघर्ष करना हमारा दायित्व है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीति नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई है, एक प्रस्ताव आपने रखा है सीएम के समक्ष। हाँ, वो हमने यही जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है या किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल को लेकर के कोई दबाव बनाया गया हो। जब भी माननीय मुख्यमंत्री तय करते हैं, जब भी उचित समझते हैं, वो इसका फैसला करते हैं। लेकिन 2.5 साल का वक्त निकल गया सर। 2.5 साल का निकल गया, 5 साल तो नहीं निकला, लेकिन उम्मीद है जल्द होगा, होना चाहिए। मीटिंग पहले होटल अशोक में होनी थी, फिर यहाँ शिफ्ट हुई, राजेंद्र गुड़ा आए तो कई विधायक चले गए। राजेंद्र गुड़ा ने आपके लिए कहा कि संयम लोढ़ा को मंत्री बनने की जल्दी है, इसलिए वो भाग कर गए, जबकि मैं उनके फ़ोन पे बुलावे पे आया था। कोई बात नहीं, वो बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन खुशवीर सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर हमने बैठक में आ रहा। तो ऑल इज वेल कहें सर, निर्दलीय सारे एकजुट हैं और अशोक गहलोत की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के प्रति एक तरीके से समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल।